दोस्तों मुंबई को हराने के बाद सचिन तेंदुलकर के पास जाकर महेंद्र सिंह धोनी ने छुए उनके पैर। ऐसा नजारा देखकर सचिन की आंखें भी हो गईं नम और फिर धोनी पर जो कहा वो सुनने के बाद पूरा देश कर रहा है उनको सलाम। वो तो दोस्तों आखिर सचिन तेंदुलकर का धोनी पर पूरा बयान तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सचिन तेंदुलकर और धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि सचिन और धोनी में से कौन अच्छा बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2023 का 49वां मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को चेन्नई ने 6 विकेट से हरा दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर मुकाबले में जब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था तो ये फैसला कई हद तक उनका सही साबित हुआ, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन पर धोनी की टीम ने रोक दिया था। यहां पर मुंबई की तरफ से मात्र निहाल वदेरा ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने अर्धशतक जड़ते हुए 64 रन की पारी खेली। बाकी यहां पर रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव जैसे महान खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चल पाया, जिसके चलते मुंबई की टीम इस मुकाबले में पहले पिछड़ चुकी थी। हालांकि दोस्तों फिर जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तो चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने की थी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी और सदी हुई शुरुआत अपनी टीम को तो दिला दी। लेकिन दोस्तों इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ 30 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं डेवॉन कॉनवे ने 44 रन की पारी खेली और इन दोनों के बाद फिर अजिंक्य रहाणे 21 तो वहीं अंबती रायडू 12 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बीच शिवम दुबे ने अंत तक ले जाकर मुकाबले को इस मैच में चेन्नई की टीम को जीत दिलाई और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिली 6 विकेट से जीत के बाद पूरा देश हैरान है कि मुंबई की टीम को लगातार ऐसे हराना चेन्नई के ही बस की बात है। बाकी हम आपको बता दें कि मुकाबला समाप्त हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जब सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए गए तो उस बीच सचिन तेंदुलकर के कदमों में जाकर महेंद्र सिंह धोनी ने उनके पैर छुए। हालांकि दोस्तों ये वाक्या देखकर पूरे भारत देश की आंखें तक नम हो गईं, क्योंकि ऐसा अक्सर क्रिकेट में देखने के लिए नहीं मिलता कि कोई महान दिग्गज खिलाड़ी किसी अन्य दिग्गज खिलाड़ी के पैर छूता हुआ दिखाई दिए। और यहाँ पर ये धोनी के संस्कार हैं जो कि हम सभी ने आज मुकाबले के दौरान देखे। वहीं हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर के पैर जब महेंद्र सिंह धोनी ने छुए तो सचिन तेंदुलकर की भी आंखें कहीं हद तक नम हो गई। और दोस्तों यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते हुए उनकी तारीफ में 2 शब्द बोले और कहा कि धोनी एक महान खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। धोनी ने अक्सर ऐसा करके हर किसी का दिल जीता है और मैं मानता हूँ कि धोनी से हर एक खिलाड़ी को जरूर संस्कार लेने चाहिए। यहाँ पर कितना भी बड़ा खिलाड़ी चाहे कोई क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछला खिलाड़ी भी कुछ आपके देश के लिए कर चुका है। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आपस में लड़ते हुए जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे काफी दिल से बुरा लगता है और मैं यही कामना करता हूँ कि आगे धोनी से ये सीख लेकर पूरी दुनिया आगे बढ़े। तो वहीं दोस्तों आगे सचिन तेंदुलकर ने बोला कि धोनी खुद एक महान खिलाड़ी है और शायद मैं धोनी के आगे उतना बड़ा हूँ नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी टीम को जीत नहीं दिलाई, लेकिन धोनी ने इसके बावजूद भी मेरे पैर छुए, मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन धोनी की इस आदत को सभी खिलाड़ियों के अंदर आना चाहिए। यहाँ पर धोनी से सब उनके कप्तानी के गुण सीख लेंगे, उनकी बल्लेबाजी, उनकी कामनेस को सीख सकते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को यहाँ कोई नहीं सीखना चाहता। और मैं यही चाहता हूँ कि जो खिलाड़ी ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपना एग्रेशन बीच मैदान पर दिखाते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी से दूसरे खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करना जरूर सीखें। तो दोस्तों यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने इनडायरेक्ट वे में लगता है कि विराट कोहली को टारगेट करते हुए महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेकर ये बड़ी बातें कही। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि धोनी के लिए जो सचिन तेंदुलकर ने कहा वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।